नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग लिया है और आपका टूलकिट अगर अप्लाई नहीं हुआ है तो आप खुद से टूलकिट के लिए किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोग को मिलेगा। और क्या क्या इसमें परेशानी आपको आ सकता है वो सभी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बीच में अगर आप वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वेबसाइट में काफ़ी सारा जो है परेशानी देखने को मिल रहा है। कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी बहुत सारा काम नहीं होता है। OTP का प्रॉब्लम है कि सही OTP डालने के बाद भी सही OTP जो है नहीं लेता है, तो काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है पहले हम आपको डेस्कटॉप से अप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद मोबाइल से कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी बताएंगे, और परेशानी आपको क्या आएगा वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारा चीज़ लाइव होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लें और यहाँ पर आपको सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in। अच्छे से देख लीजिए, pmvishwakarma.gov.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा का, और नीचे आएंगे तो इस तरह से सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखता है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन करना है। राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिख रहा है, इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेंट और जो बेनिफिशियरी लॉगिन लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज इस तरह से खुल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर वो वाला डालेंगे जो मोबाइल नंबर आपका जो है रजिस्ट्रेशन करते समय जो जिसमें OTP बार बार आ रहा है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, और जो कैप्चा यहाँ दिया हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पर सेम टू सेम डाल देंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम किसी एक बेनिफिशियरी का जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल नंबर उनका, और कैप्चा को हम फिल कर लेते हैं ताकि उनका जो है हम अप्लाई करके यहाँ पर लाइव आप लोग को दिखा सकें। तो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जैसा ही कैप्चा ये दिया हुआ है सेम टू सेम कैप्चा जैसे ही यहाँ पर होगा, स्मॉल में है या कैपिटल में है, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। देखिए इस तरह से पेज खुल जाएगा और OTP उस मोबाइल फ़ोन पे चला जाएगा। तो मोबाइल में जो भी आपका OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और डालकर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर OTP जो मेरा आ चुका है वो OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए मैंने OTP डाल दिया है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। OTP डालकर कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, तो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए जैसे लॉगिन करते हैं तो आपको जो आपने अप्लाई किया था तो अप्लाई करने का एक सर्टिफिकेट और एक आपका ID कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और आपका एप्लीकेशन भी यहाँ पर दिख जाता है। तीनों चीज़ आप जो है खुद से डाउनलोड करके रख सकते हैं, बाकी इसका काम नहीं पड़ता है। जो ट्रेनिंग करते समय जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वही वैलिड होता है, वही काम आता है आपका। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए चूज़ फ्री RS 15,000 टूलकिट ई वाउचर जो है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुलेगा और उसमें दो ऑप्शन आएगा, एक सेट ए और सेट बी। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे टेलर का था जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी दो सेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा सेट आपको चाहिए, वही सेट आपके घर जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, वो सामान आपको घर में मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों का जो है टेलर में मैंने सेट ए सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें मशीन वगैरह सारा सामान यहाँ पर मिलता है और लगभग 15,000 के आसपास का सामान इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सेट ए हम यहाँ पर अभी सेलेक्ट करेंगे। सेट बी भी आप देख लीजिए, राइट साइड में आपको सेट बी भी मिलता है। अगर आपको सेट बी लेना है तो आप सेट बी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेट ए आपको चाहिए तो सेट ए में आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सेलेक्ट ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। तो हम जो है, और ऊपर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री टूल किट वर्थ 15,000, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है आपको 15,000 का टूल किट यहाँ पर आपके घर ये भेजता है, लेकिन 15,000 का ई वाउचर भी आपको देता है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या वो 30,000 का हमको सामान दे रहा है या 15,000 का केवल टूल किट देगा। तो ये कन्फ्यूजन है और कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं।
तो इस तरह से जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन का आपको मैसेज आ जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके जो है यहाँ पर इसको अच्छे से आप अगर पढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15,000 का तो ये आपको ई वाउचर दे रहा है वो अलग है, और ये बोल रहा है कि जो आपने टूल किट जो सेलेक्ट किया वो हम आपके घर तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या वो 30,000 का आपको सामान देगा या 15,000 का ई वाउचर देगा, तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन लिख जिस तरह से रहा है उस तरह से लगता है कि 15,000 का आपको सामान भी देगा और 15,000 का ई वाउचर भी देगा, तो 30,000 कॉस्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो अब जब मिल जाएगा तब पता चलेगा। तो करना बस इतना ही है। अब जो लोग मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मोबाइल का स्क्रीन आपका इस तरह से दिखेगा। चलिए मैं थोड़ा बैक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ शुरू से। तो मोबाइल फ़ोन पे आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे पीएम विश्वकर्मा, और नीचे देखिए pmvishwakarma.gov.in आ जाएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 3 लाइन यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है, इसमें क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखिए आपको नीचे लॉगिन का बटन मिलेगा, और फिर यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन जो बेनिफिशियरी लॉगिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर यही पेज खुल जाएगा और आगे का प्रोसेस जो है आप लोग का सेम रहेगा। OTP यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको OTP जाएगा, OTP डालना है। OTP डालने के बाद सेम प्रोसेस मोबाइल फ़ोन में भी आपको वैसा ही आपको यहाँ पर करना है। अब चलिए जो परेशानी आती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का जो है अभी जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि वो OTP डाल के लॉगिन तो कर लेते हैं, लेकिन लॉगिन करने के बाद उनका ये चूज़ फ्री 15,000 का टूलकिट वाउचर का जो बटन है वो काम ही नहीं करता है। मैंने 2-3 लोगों का ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि ये बटन काम नहीं करता। और यहाँ पर देखिए इनका जो है 3 स्टेप जो है हो चुका है, आधार EKYC हो चुका है, PMVishwakarma रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सर्टिफिकेट भी इनका जनरेट हो चुका है, मतलब ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब टूल किट अप्लाई का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बटन काम नहीं करता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप OTP डालकर लॉगिन भी कर लेंगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद भी आपको टूल किट अप्लाई का बटन जो है वो काम नहीं करता है। तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है, और ये सर्वर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। पता नहीं क्यों PMVishwakarma के साइड में क्या प्रॉब्लम है। दिन में तो मैक्सिमम टाइम तो OTP इनकरेक्ट बता देता है, सही OTP डालने के बाद भी OTP इनकरेक्ट बताता है, और कभी कभार अगर लॉगिन हो भी जाता है तो यहाँ टूलकिट अप्लाई का जो बटन है ये काम नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आता है तो आपको घबराना नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो भी मिलेगा, अगर कुछ सॉल्यूशन पता चलता है तो हम आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा, या फिर जैसे भी होगा आप लोग को जानकारी इसका जो है हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तो अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।